गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। वाटर प्लस में नंबर वन का तमगा हासिल करने वाले इंदौर शहर में लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में पानी जमा हो रहा है। गुरुवार को इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस के निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इंदौर शहर ने वाटर प्लस का तमगा हासिल करने के लिए नाला चेकिंग अभियान की शुरुआत क्या की। पूरा शहर बारिश के सीजन में डूबता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 महीनों से हो रही बारिश में शहर की निचली बस्तियों सहित शहर के पास कॉलोनी के हालत खराब हो चुकी है। शहर के हर जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। नाला ट्रैपिंग के बाद सड़कों पर इकट्ठा हुआ पानी जमीन में नहीं उतर पा रहा है, जिसका खामियाजा इंदौर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी भी नाला टैपिंग और वाटर प्लस हासिल करने के लिए किए गए भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही। गुरुवार को विधानसभा एक के विधायक संजय शुक्ला के नेतृत्व में शहर कांग्रेस से जुड़े कई नेता निगम आयुक्त प्रतिभा पाल को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने निगम आयुक्त के सामने शहर में हुए नाला टेपिंग की कमियों को उजागर किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह निगम के अधिकारियों ने नाला टेपिंग के बाद नालों के ऊपर क्रिकेट खेला, खाना खाया, लेकिन आज उन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निगम का कोई भी अधिकारी आज सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहा है। शहर में जल जमाव के कारण डेंगू जैसी महामारी फैल रही है, लेकिन निगम का अमला ठीक तरह से ना तो फॉलिंग पर कर पा रहा है और ना ही पानी की निकासी हो पा रही है। कुछ इसी तरह का आरोप है विधायक संजय शुक्ला, निगम में प्रतिपक्ष की नेता रही फौजिया शेख और पूर्व विधायक अश्विन जोशी ने भी लगाया। इस बारे में जानकारी देते हुए विधायक संजय शुक्ला ने आरोप लगाया कि निगम के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कोरोना काल से लेकर डेंगू फैल जाने तक कोई भी अधिकारी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। शहर के निजी और सरकारी अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं, लेकिन निगम प्रशासन अपनी कार्यवाही नहीं सुधार रहा है। शहर में 1 इंच के आसपास बारिश होती है और आधा शहर डूबने का क्षेत्र बन जाता है, लेकिन निगम अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं ज्ञापन देने के बारे में जब निगम आयुक्त प्रतिभा पाल से शहर के हालात और वाटर प्लस के कामों पर जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता डेंगू को लेकर चर्चा करने आए थे। निगम ने हर वार्ड के लिए टीम गठित की है और दबाव का छिड़काव के साथ ही जल जमाव की रुकावट पर कांग्रेस का कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता नाला ट्रैपिंग के साथ वाटर प्लस में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के साथ डेंगू जैसी महामारी के लिए चर्चा करने आए थे, लेकिन निगमायुक्त प्रतिभा पाल शायर नाला टैपिंग और वाटर प्लस में हुए भ्रष्टाचार पर बोलना नहीं चाहती या अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करती हुई नजर आती है। ज्ञापन के दौरान मीडिया में मौजूद मीडियाकर्मी कैमरामैन के सारी चर्चा रिकॉर्ड की गई, लेकिन फिर भी निगमायुक्त ने मीडिया को अपनी वाकपटुता से सवालों का गोलमाल जवाब देकर चलता कर दिया। एक उच्च अधिकारी का इस तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया शहरवासियों को घुटनों घुटनों तक पानी में रहने को मजबूर कर रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सभी पार्षद और हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष और हम सभी कांग्रेस जनप्रतिनिधि आज हम मिलने आए हैं। इसलिए मिलने आए हैं कि ऐसा लग रहा है कि इंदौर शहर में ऐसा लग रहा है आज़ादी के पहले गुलाम हो चुका है। आज़ादी के पहले जो अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा होता था वो अब हो रहा है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे विधायक उनके गुलामी करने के अलावा कोई काम नहीं कर, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। भले पूरा जनप्रतिनिधि भले बंधु वर्मा जी क्यों नहीं हो, सुदन गुप्ता जी जो इन अधिकारियों लेकर बेचारे घूमते रहते हैं, उन्होंने आज तक कोरोना काल के अंदर एक काम नहीं करा। वो कोरोना काल के अंदर लोगों को बुलाकर कोरोना फैलाया। इंदौर में जो कोरोना फैला वो सुदन गुप्ता के कारण फैला और आज जो डेंगू हो रहा है वो गुप्ता जी कारण हो रहा है कि वो जो अधिकारी लोग अपने आगे पीछे घुमा रहे हैं और काम नहीं होने रहे। मेरी विधानसभा के अंदर एक दिन भी डेंगू नाम पर छिड़काव नहीं हुआ और इंदौर शहर में डेंगू के नाम पर इंदौर सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो सब भरे पड़े में एक भी खाली नहीं है। किसी की व्यवस्था नहीं, भर्ती होने के बेचारे लोग मर रहे हैं। उसके बाद भी नगर निगम वगैरह डेंगू का छिड़काव नहीं किया जा रहा, पानी सफाई नहीं की जा रही, डेंगू का पानी भरा हुआ है। नाला टैपिंग के नाम पर 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है ये आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। आपने इसे उजागर किया। आज देखिए इंदौर शहर 1.25 इंची पानी के अंदर पूरा डूब गया था। कहीं 5 इंची पानी गिरेगा तो इंदौर शहर के लोगों के मकान के सामान बह जाएगा, क्योंकि इन्होंने नाला टैपिंग के नाम पे भ्रष्टाचार किया। हर जगह एक से एक लाइन डाल दी, कहाँ कितना पानी आ रहा कितना पानी उस लाइन डालना चाहिए, इन्हें कुछ खुद नहीं करा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो केंद्र का पैसा आया था, केंद्र के लोगों को मेरी विधानसभा आगे वहाँ नाश्ता कराया, जलेबी करी, क्रिकेट मैच खेला, ये सिर्फ दिखावा करा। आज सबसे ज़्यादा पानी वहीं भर रहा है, वहाँ के लोग डूब रहे हैं, वहाँ
वहाँ के जो मकान तोड़े हैं वहाँ पर आज जो उसका मटेरियल निकाला जिससे सड़क बनाई थी वो आज भी ऐसी वैसी जिससे नाला छोटा हो गया है और डबल नुकसान हो रहा है और आम जनता नुकसान हो रहा है। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम करने का नहीं लग रहा है इनको, और इसका मुँह तोड़ जवाब देगी कांग्रेस। और कांग्रेस हमेशा गरीब परिवार की लड़ती रहती है, वो गरीब हो या अमीर हो, आदरणीय कमलनाथ जी ने तो देखा आपने, वो हमेशा लगातार विकास की बात करते थे, ये लोग सिर्फ विनाश की बात करते हैं, उसकी घोषणा करने के अलावा कुछ नहीं करते। डेंगू के नाम पे, कोरोना के नाम पे अभी बोला था 1,00,000 रुपए देंगे जिस जो कोरोना भरा है, एक जने को भी आज 4 महीने हुआ 1,00,000 रुपए एक जने को भी नहीं मिला, ऐसी घोषणा करते हैं, आम पब्लिक को झूठ बनाते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। आज भी देखे नगर निगम में तो घोषणा के अलावा कोई काम नहीं कर रहे, डेंगू नाम छिड़काव कर रहे हैं। कल हमारे जीतू पटवारी जी का छिड़काव नहीं हो रहा, वहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे पीछे ये गुलामी कर रहे हैं। गुलामी का मतलब ऐसी गुलामी करेंगे तो इसे धिक्कार है इनको, आम जनता का पैसा है, इनको धिक्कार आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए इन लोगों को कि लोगों गुलामी कर रहे हैं, आम जनता का पैसा है, जनता का काम जनता का नगर निगम का पैसा है, यहाँ तक कि एमपी गवर्नमेंट का भी पैसा नहीं है, आम जनता का पैसा, उसके लिए यह बर्बाद किया जा रहा है, हम उसको सहन नहीं करेंगे, इसलिए आंदोलन किया जाएगा, नहीं होगा तो हम कोर्ट जाएंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे। मुद्दों को लेकर उन्होंने कुछ मांग की है, ज्ञापन भी प्रेषित किया है आपको, तो क्या कुछ मांग करते हैं कांग्रेस? इस ज्ञापन में विशेषकर जो विषय हम सभी को जानना चाहिए और समझना चाहिए वो डेंगू को लेकर है, और इस संबंध में निगम ने जो तैयारियां की हैं वो लगातार हम लोग इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, और यही कारण है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर होने के बावजूद अगर हम लोग प्रदेश में डेंगू के केसेस की स्थिति देखें तो उसमें हम लोग फिर भी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों को जरूरी ध्यान रखना है कि इस आने वाले समय में आगे लापरवाही ना हो, इसीलिए कल से निगम ने एक ड्राइव भी शुरू करी है जिसमें प्रत्येक जोन में ऐसी टीम्स बनाई गई हैं जिसमें स्वास्थ्य की टीम है। स्वास्थ्य की टीम का काम यह रहेगा कि जहाँ भी पानी भरा हुआ है या पानी रुका हुआ है घरों लोगों के घरों में जो लोग पानी भर के रखते हैं कूलर्स में, पुराने टायर्स में, पुराने डब्बों में, उनको क्लियर कराते रहें, और इसमें जन जागरूकता के लिए निगम की एनजीओ की टीम भी लगाई गई है। इसके अलावा साथ में चूंकि बस्ती क्षेत्र में ये समस्याएं ज़्यादा आती हैं डेंगू और मलेरिया से संबंधित, इसलिए ऐसी प्रत्येक जोन ने अपनी बस्तियां चिन्हित की हैं और इन बस्तियों में ये कार्रवाई की जा रही है। सभी जगह जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी जो पूर्व पार्षद हैं उनको अपने वार्ड का आइडिया रहता है, उन लोगों ने ऐसी जगह अपनी आइडेंटिफाई करी हैं। इसके अलावा इसमें विद्युत की टीम, पीएचई की टीम और जो उद्यान की टीम है, जो बड़ी झाड़ियाँ उग जाती हैं उनकी वजह से मच्छर होते हैं, उनको भी इसमें लगाया गया ताकि हम लोग इसको एंड टू एंड इसका समाधान कर सकें, और इसके लिए लगातार निगम की टीम्स हर जोन में और हर वार्ड में चल रही हैं।